नमस्कार नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक एहतराम, हार्दिक स्वागत दोस्तों। बधाई इसलिए कि हम इन्वेस्टमेंट्स पे बात करने के लिए एकत्र हुए यहाँ पे। दोस्तों, हमेशा आपसे मिलकर अच्छा लगता है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं और वो निकल के आई है एक बहुत महान निवेशक से जिनको वॉरेन बफेट अपने गुरु मानते हैं। वो कहते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो कामयाब होगा या नाकामयाब होगा ये तय वो खुद करता है। चैलेंज विद इन, हमने ये देखा है दुनिया भर के हर मुल्क में देखा है कि जो रिटर्न म्यूचुअल फंड्स में आता है वो रिटर्न्स उसमें इन्वेस्टर्स को नहीं मिलता है, जो रिटर्न बाज़ार में आता है वो रिटर्न इन्वेस्टर्स को नहीं मिलता है, जो मार्केट रिटर्न्स हैं वो हमेशा एक्चुअल रिटर्न से ज़्यादा होते हैं, एक्चुअल रिसीव्ड रिटर्न्स जो इन्वेस्टर के होते हैं। तो इन्वेस्टर रिटर्न क्यों नहीं कमा पाता है, गलतियाँ उससे क्यों होती है? क्योंकि उसका एक बिहेवियर है जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, वो खुद ही का डिस्ट्रक्शन करता है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो नहीं जानता कि वो चाहता क्या है, वो नहीं जानता कि वो चाहता क्या है। तो इमोशंस क्या हैं, आइए इस इमोशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है, डेनियल लेवी साहब है, बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, मज़ेदार बात कहते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ह्यूमंस आर डिसऑनेस्ट, इंसान बेईमान होता है दोस्तों, दिन भर बेईमानी करता है। पर दूसरों से बेईमानी करेगा तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे, तो हम दूसरों के साथ बेईमानी नहीं करते हैं क्योंकि उसके परिणाम बड़े घातक होते हैं। तो फिर हम किसके साथ बेईमानी करते हैं, दिन भर खुद के साथ बेईमानी करते हैं, खुद ही को बेवकूफ बनाते हैं। कैसे, हम इस बात को समझाएंगे तो ये समझ जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट में हमें क्या ध्यान रखना है। मैं आपको एक छोटी सा बात पूछता हूँ, आपके मन में, आपके अनुसार, आपके विचारों के अनुसार, आपके जीवन में पैसा ज़्यादा कीमती है कि समय ज़्यादा कीमती है? पक्का लॉक किया जाए, समय ज़्यादा कीमती है। अब मुझे एक बात बताइए कि मेरा मीटिंग हो रही है, अच्छी इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ही कह रहे हैं कि समय सबसे ज़्यादा कीमती है, रोज़ कीमती समय जो पैसे से ज़्यादा कीमती समय वो आपने मुझे प्रदान किया है। अगर मैं आपसे ये कहता कि मेरी बात सुनने के लिए आप आइए, आपको टिकट देना होगा, तो क्या आप आते? पैसा नहीं दे रहे हैं लेकिन समय दे दिया। वापस सोचिए, ज़्यादा कीमती क्या हुआ, पैसा के समय? तो पहले समय क्यों बोला था? अच्छा, दूसरे तरीके से सोचते हैं, आप यहाँ पर आए, चार घंटे आपने खर्च किए और आपको लगा कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल समझ में नहीं आया, आपका वक्त ज़ाया हो गया, नष्ट हो गया, दुख होगा कि नहीं होगा? दुख होगा। आप फिल्म देखने गए, तीन घंटे की फिल्म देखी, पैसा भी खर्च किया, फिल्म भी देखी, फिल्म अच्छी नहीं लगी तो आपके जीवन के तीन घंटे बेकार हो गए, दुख होगा कि नहीं होगा? दुख होगा। आप फिल्म देखने नहीं गए, घर पर ही बैठे हैं, कहीं नहीं गए या किसी से मिलने पड़ोस में चले गए और वापस आके आपको समझ में आया कि आप जहां जाके आए वहां से बटुए से 1000 रुपये गिर के नुकसान हो गया ना, आपको 1000 रुपये आपके खो गए। तो पहले वाले सीन में आप फिल्म देखने गए थे, टिकट लिया था, मल्टीप्लेक्स में गए थे, टिकट लिया था, बर्गर और जो भी आपको खाना था खाया था, 1000 रुपये वहां खर्च हुए, फिल्म में मजा नहीं आया, आपने कहा समय नष्ट हो गया, यहां पर आपके पैसे खो गए, बटुए से गिर के खो गए। दोनों में से कौन सी बात उम्र भर याद रहेगी? समय खराब हो गया वो याद रहता है कि पैसे नुकसान में हो गए जो याद रहता है? पैसे। तो ज्यादा कीमती क्या हुआ, तो फिर समय क्यों बोला था? हम बेईमान हैं कि नहीं हैं? और जब ये बेईमानी खुद के साथ करेंगे तो सही निर्णय कैसे लेंगे दोस्तों? दोस्तों आप जानते हैं ऐसा नहीं है, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि समय ज्यादा कीमती है, क्योंकि समय जब नष्ट होता है तो दोबारा नहीं आता है, पैसा जब खोता है तो नया कमा सकते हैं, समय आप नया नहीं कमा सकते। आप बिल्कुल सही कहते हैं कि समय ज्यादा कीमती है, पर दिक्कत क्या है फिर, समय नष्ट होता है याद क्यों नहीं रहता है? दोस्तों हम अपने समय से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितने अपने पैसे से करते हैं, हम पैसे से प्यार ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम पैसे से प्यार ज्यादा करते हैं इसलिए गलतियां होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट में गलतियां क्यों होती हैं, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट में आप अपना पैसा दूसरों को देते हैं, आपका पैसा है और आपने दूसरे को दे दिया, बताइए मन कैसा लगेगा? अरे वो मेरे पैसे से क्या करेगा, सही तरह से इस्तेमाल करेगा, सही तरह से इन्वेस्टमेंट करेगा कि नहीं करेगा? और फिर आपका दिन का चैन, रात की नींद चली जाती है दोस्तों। तो आइए इस चैलेंज को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मन विचलित होता रहता है, हमारा मन ऊपर नीचे होता रहता है, क्यों होता है? फॉरगेट मार्केट्स, अगर आप अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं मार्केट्स को भूल जाइए, अच्छे मार्केट में खराब इन्वेस्टर्स होते हैं, खराब मार्केट में अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, मार्केट तय नहीं करता आप कामयाब होंगे कि नाकामयाब होंगे। फॉरगेट रिलेटिव परफॉर्मेंस कि उस स्कीम में रिटर्न ज़्यादा आया, मेरी स्कीम में रिटर्न कम आया, ये भी मायने नहीं रखती है कि आप कामयाब इन्वेस्टर बने कि नहीं बने। गेट योर इमोशंस अंडर कंट्रोल। अच्छी इकोनॉमी में खराब इन्वेस्टर्स होते हैं, खराब इकोनॉमी में अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्फोसिस एक बहुत अच्छी कंपनी है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इन्फोसिस में हर व्यक्ति ने जिसने शेयर खरीदे फायदा हुआ है?
ऐसा नहीं होता है दोस्त। कंपनी अच्छी या बुरी नहीं होती है, एक व्यक्ति को उसी कंपनी में नुकसान होता है तो दूसरे व्यक्ति को उसी कंपनी में फायदा होता है। कौन तय करता है कि मैं तय करता हूँ? आप जब निवेश करते हैं तो शोध करते हैं, आपको नहीं मालूम कि आपको निवेश करते वक्त कौन सी स्कीम में रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। एक स्कीम ए है, एक स्कीम बी है, किसमें आप निवेश करेंगे, कैसे तय करेंगे? आप शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद भी आप तय नहीं कर पाएंगे कि ए अच्छी है कि बी अच्छी है, तो आप चुनते कैसे हैं ए अच्छी है कि बी अच्छी है? आइए हम पता करते हैं। आप एक बार में जाते हैं, मुझे भी साथ ले जाना, आप एक बार में जाते हैं और देखते हैं कि उस बार में एक अकेली महिला, लड़की नहीं, अकेली महिला, उम्र दराज 40 साल के आसपास, अकेली कोने में बैठी है और मदिरा पी रही है, कंज्यूमिंग लिकर, ठीक है? आपको मुझे बताना है कि वो कौन है, ठीक? आप उसको नहीं जानते हैं, जीवन में आपने उसको पहली बार देखा है, आपको मुझे बताना है कि वो कौन है। मैं आपको चार विकल्प देता हूँ। क्या वो एक एथलीट है, क्या वो एक डॉक्टर है, क्या वो एक टीचर, शिक्षिका है, कि वो एक प्रोफेशनल मॉडल है? कौन है वो? कौन है? प्रोफेशनल मॉडल है। अब उस महिला को आप नहीं जानते हैं, फिर आपने कैसे बता दिया वो प्रोफेशनल मॉडल है? कैसे बताया आपने, कैसे बताया, है ना? आज मैं मुंबई में हूं दोस्तों, तो मुंबई तो किस्मत वाला शहर, किस्मत वालों का शहर होता है, क्योंकि हिंदुस्तान के जितने भी प्रोफेशनल मॉडल है वो 80% तो कहाँ रहती होंगी, मुंबई में रहती होंगी। तो चलिए हम आपकी बात को कुछ हद तक मान लेते हैं, पर ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटीज। जिसने ये नहीं समझा, इन्वेस्टमेंट नहीं समझा, तो क्या आप प्रोबेबिलिटीज देखते हैं कि भावनाओं से काम करते हैं? आइए हम समझते हैं। मुंबई की आबादी कितनी है? 2 करोड़ की आबादी में महिलाएं कितनी होंगी? 50%, 1 करोड़। 1 करोड़ महिलाओं में 50% होंगी 35-40 साल की उम्र से कम, तो बची 50 लाख। 50 लाख महिलाएं हैं जिनको हक है बार में जाने का, है कि नहीं है? जिनको हक है बार में जाने का। इन 50 लाख महिलाओं में से प्रोफेशनल मॉडल कितनी होंगी जो 35-40 साल की होंगी? संख्या बताइए। मॉडल्स ज़्यादातर आपको मिलेंगी 20-25 साल के आसपास। मैंने उम्र बताई थी आपको 35-40 साल के आसपास। आप पहली गलती तो ये कर गए। दूसरी गलती ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर कितनी होंगी, कितने डॉक्टर होंगी महिला डॉक्टर मुंबई के अंदर? 10,000, 15,000, ठीक है? मुंबई के अंदर एथलीट्स कितनी होंगी जो एशियन गेम्स में, नेशनल गेम्स में, ओलंपिक्स में जाती हैं? मे बी 1,000। मुंबई के अंदर टीचर्स कितनी होंगी? कम से कम 1 लाख। 1 लाख, तो संख्या ज़्यादा कहाँ हुई? आपको एक पत्थर देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि इस पत्थर से आम तोड़ना है, क्या आप तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम आप में क्षमता क्या है, या आपको ये मालूम है कि आप अर्जुन नहीं है। आपको मालूम है कि आप अर्जुन, अर्जुन को तो एक आंख दिखाई देती है, पर आप तो अर्जुन नहीं, अपने लिमिटेशन को जानते हैं। और यह भी जरूरी नहीं है कि पत्थर मारने से आम टूटेगा, यह भी जरूरी नहीं है। अब मैंने आपको पत्थर दिया है आम तोड़ने के लिए, 2 पेड़ नजर आते हैं, 1 पेड़ पे 500 आम लदे हैं, 1 पेड़ पे 2 आम लदे हैं, बताइए किस पे पत्थर मारेंगे? पक्का? तो जब मैंने पूछा वो महिला कौन है, तो पत्थर कौन से पेड़ पे मारा था, क्यों, ये गलती क्यों हुई? आपको मालूम है गलती क्यों हुई? क्योंकि आपने ईमानदारी से शोध किया ही नहीं, आप संभावनाओं को समझे ही नहीं, आपने मन की आवाज को सुना, और मन की आवाज कहती है बिना मदिरा पिए मॉडल कैसे बनेगी, और मन ये कहता है टीचर दारू कैसे पी सकती है, मेरे बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा। तो आपने अपने को जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से चुनाव किया, ठीक है? आपको अच्छी हेल्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अच्छी हेल्थ मॉर्निंग वॉक से मिलती है कि नहीं मिलती है? कितने लोग जाते हैं ईमानदारी से? 2% लोग जा रहे हैं, तो क्या बाकी लोगों को अच्छी हेल्थ नहीं चाहिए? पर आपने अभी कहा था कि आपको चाहिए। मॉर्निंग वॉक पे जाने से अच्छी हेल्थ मिलती है, ये आप जानते हैं। आपको स्वास्थ्य चाहिए, ये भी आप जानते हैं, फिर आप मॉर्निंग वॉक पे क्यों नहीं जाते हैं? सिंपल सी बात है दोस्तों, सुबह सोते रहने में जो मजा आता है वो घूमने में कहाँ है? तो प्लेजर एंड पेन, आप पेन से दूर रहते हैं, मॉर्निंग वॉक में पेन होता है, सोते रहने में प्लेजर मिलता है। तो हमने ज्ञान को इस्तेमाल नहीं किया, प्लेजर को हमने अहमियत दे दी, पेन को हमने अपने से दूर रखा। लेकिन ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मॉर्निंग वॉक से अच्छा स्वास्थ्य तब मिलेगा जब आप साल भर तक रोजाना मॉर्निंग वॉक करेंगे।
अब ज्यादा जरूरी बात सुनिए, आपने कहा था कि आपको अच्छे हेल्थ चाहिए। अगर ईश्वर सपने में आके आपको पूछता है सबसे जरूरी चीज जीवन में क्या चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? अच्छी हेल्थ। ठीक है, वो हेल्थ जो आपको जीवन में सबसे पहले चाहिए, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया। उसके लिए अगर आपने सही फैसला नहीं किया तो इन्वेस्टमेंट में कैसे करेंगे? वो तो प्रायोरिटी में बहुत बात में आता है। हम अपनी बॉडी को अब्यूज करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को अब्यूज करते हैं। तो फॉर गुड हेल्थ इफ आई कैनॉट टेक राइट डिसीजन, हाउ आई कैन टेक राइट डिसीजन फॉर माई वेल्थ क्रिएशन? दोस्तों, तो जब भी निवेश करें हमेशा देखें कहीं आप वो निवेश तो नहीं कर रहे जो आपको अच्छा लगता है, क्या आप वो निवेश कर रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है? अब आप निवेश कैसे करते हैं? निवेश करने में भी भावनाएं आती हैं। मैं शिमला घूमने गया था, और जब मैं शिमला घूमने गया तो वहां पर लोअर शिमला से अपर शिमला में जाने के लिए लिफ्ट मिलती है। ठीक है, वो दो लिफ्ट है वहां पर, लिफ्ट में बैठ के आप ऊपर जाएंगे, थकते नहीं है। तो जिस दिन मैं घूमने गया, मैं थी, मेरी बीवी था, छोटा बच्चा था जिसको गोदी में लेना पड़ता था, और सामान हमारे पास में था, हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। उस दिन एक लिफ्ट खराब थी, लाइन थोड़ी लंबी थी, मेरी बीवी परेशान हो गई, इतनी लंबी लाइन है, हमारा नंबर कब आएगा? पास में एक सीढ़ियाँ हैं, किसी ने बताया सीढ़ियाँ भी जाती है, अब सीढ़ियों से चले जाइए। वो मुझे एडवाइस करती है चलो सीढ़ी से चलते हैं। मैंने कहा थक जाएंगे, बेटे को गोदी में उठाना है, सामान को भी उठाना है, कुली मिल नहीं रहा है, हम बहुत थक जाएंगे, थक जाएंगे तो घूमेंगे क्या? वो कहती नहीं, इसमें वक्त बर्बाद हो रहा है। इंपेशियंस दूसरी भावना, पेशेंस धैर्य सबसे जरूरी है। हर चीज इन्वेस्टमेंट केवल साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजिकल लड़ाई है दोस्तों, ये फाइनेंशियल इकोनॉमिक लड़ाई है ही नहीं। उसको क्या हो रहा है? इंपेशेंस हो रहा है। मैं तो इक्विटी हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, समझता हूँ क्या चीज़ें हैं, मैं उसको समझा रहा हूँ कुछ नहीं, अधैर्य है, अधीर हो रही हो तुम, लिफ्ट से जाना ही अच्छा है, थोड़ी देर में लिफ्ट में हमारा नंबर आ जाएगा, सीढ़ी से जाएंगे तो बहुत थक जाएंगे। वो कहती नहीं, अब सुखी रहना तो बीवी की बात मानना जरूरी है, और हमने तय कर लिया कि चलो हम सीढ़ी से चढ़ेंगे। और जब हम बहस कर रहे थे, 5 मिनट तक हमने बहस की, और बहस करने के बाद जब फैसला हो गया कि हम सीढ़ी से जाएंगे, तो मेरी वाइफ नीचे झुकती है मेरे बेटे को गोदी में उठाने के लिए, और गोदी में उठा के जब बाहर निकलने के लिए घूमती है तो देखती है कि पीछे बहुत से लोग खड़े हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमने बहस कब शुरू की? जब हमने लाइन को ज्वाइन किया। अब जब भी कोई लाइन को ज्वाइन करते हैं तो आखिरी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो उसको दुख क्या था? मेरे से इतने आगे हैं, मैं तो सबसे पीछे हूँ, और पता नहीं लिफ्ट में नंबर कब आएगा, सीढ़ी से जाते हैं। लेकिन जब उसने बच्चे को उठा के लिफ्ट से बाहर जाने लगी तो 5 मिनट निकल गए, इतने में बहुत से नए लोग लाइन में जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? अब उसके मन पे दबाव पड़ा। दबाव क्या पड़ा? इतने सारे लोग मूर्ख नहीं हो सकते, इन्होंने जरूर, इनको मालूम है कि सीढ़ी बहुत लंबी है, सीढ़ी बहुत ऊंची है, हम लोग थक जाएंगे। वो मेरे को बोलती नहीं, हम लिफ्ट से ही जाएंगे। पीयर प्रेशर। आप इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? जब आप देखते हैं कि बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप भागते कब इन्वेस्टमेंट से? जब आप देखते हैं कि बहुत से लोग भाग रहे हैं। देख रहे हैं आप कैसे हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं? ठीक है, एक खेल छोटा सा मैं आपके साथ खेलता हूं, और ये एक मनोवैज्ञानिक का है जिनका नाम है डेनियल कैनेमैन। ये वो व्यक्ति हैं जिनको 2002 में नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों, और ये रेवोल्यूशन लेके आए हैं इकोनॉमिक्स की दुनिया में, इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में। और इनके आने के बाद एक नई चीज़ आई है दुनिया में जिसको बोलते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, इसके पहले नहीं हुआ करती थी। बहुत मज़ेदार बात कहते हैं। आइए, ये एक ज़रूरी खेल मैं आपके साथ खेलता हूं, जिसको कि हम अपनी भाषा में प्रॉस्पेक्ट थ्योरी कहते हैं। और इस प्रॉस्पेक्ट थ्योरी में हमें ये भी बात समझ में आएगी कि नुकसान वाले शेयर्स हम अपने पास कैसे रखते हैं, और क्यों फ़ायदे वाले शेयर्स हमारे से दूर चले जाते हैं। मैं आपको 2 चॉइसेस देता हूँ, ध्यान से इन 2 चॉइसेस को देखिएगा। पहली चॉइस, आई गिव यू ₹1000, 1000 रुपये मैंने आपको दे दिए, नाउ यू हैव ₹1000। लेकिन ये 1000 रुपीज आपको तभी देंगे जब नीचे के 2 चॉइसेस में से आप एक चॉइस को पसंद करेंगे। तो नीचे के 2 चॉइसेस मैं आपको देता हूँ। चॉइस नंबर ए, आई विल गिव यू एडिशनल ₹500, एडिशनल श्योर, ये श्योर है कि मैं आपको ₹500 और दूंगा। तो आप कितने रुपये हो गए आपके पास? ₹1500 हो गए। बी, मैं आपको कहता हूं कि मैं सिक्का उछालूंगा, सिक्के में अगर हेड आ गया तो मैं आपको ₹1000 देऊंगा, लेकिन अगर टेल आ गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, निल, फिर क्या मिलेगा? केवल ये 1000 मिलेगा। अगर आप ए लेते हैं तो आपको 1500 मिलेंगे, अगर आप बी लेते हैं तो या तो आपको 1000 मिलेगा या आपको 2000 मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? क्या लेना पसंद करेंगे? ए, ग्रेट, ए लेना पसंद करेंगे। कोई है जो बी लेना पसंद करेगा? एनीवन हियर? एक, चलिए
तीन लोगों ने हाथ खड़ा किया, सबसे पहले इन्होंने हाथ खड़ा किया, आप बी क्यों ले रही हैं, शायद जीत जाएं, बहुत बढ़िया, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि मौके को उठाना चाहते हैं, उसके लिए रिस्क लेने के लिए आप रिस्क ले रही हैं, राइट, शी इज टेकिंग रिस्क, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, बहुत खुशी हुई ये जान के कि रिस्क लेने, हायर द रिस्क हायर द, हमें सिखाया गया है, और बहुत मैं इस बात से प्रभावित हूं कि आप रिस्क लेना चाहती हैं। चलिए आप रिस्क लेती हैं और आपने ये खेल खेल लिया, आप रिस्क लेती हैं और आपने ये खेल खेल लिया, आप सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात हम कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है हमें बाद में समझ में आएगा। आपने बी चुना, अब मैंने सिक्का उछाला, सिक्का उछाल के टेल आ गया, क्या हुआ बताइए, लॉस हुआ, अब इनको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो इनको लॉस कितना हो गया, कुछ भी लॉस नहीं हुआ, पक्का, चलिए इनको कुछ भी लॉस नहीं हुआ, लेकिन ध्यान से इस बात को समझिएगा, इनके साथ जो दोस्त बैठी हैं उनको कितने रुपए मिले, टोटल 1500, इनको कितने रुपए मिले, क्या अभी भी बोलेंगे आप कुछ भी लॉस नहीं हुआ, कितना लॉस हुआ, 500 रुपए, क्यों, क्योंकि इन्होंने ए को नहीं चुना, ए को नहीं चुनने से इनको 500 रुपए का नुकसान हुआ। अब ध्यान से चलते हैं, इसमें अभी तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा है गलत क्या है सही क्या, बहस गलत सही की नहीं है, बहस भावनाओं की है, अब मैं इनकी भावना की सम्मान करता हूं कि इन्होंने बी को चुना, अब मेरा सवाल सुनिए, टेल आ गया, टेल आने से इनको 1000 रुपए ही मिले, लेकिन ए चुनने से इनके दोस्त को 1500 रुपए मिले, क्या आपको दुख हो रहा है कि आपको 500 रुपए कम मिले, नहीं हो रहा है, आपको दुख क्यों नहीं हो रहा है, जो आपकी किस्मत में था वो आपके साथ में हुआ, और भी अच्छा जवाब, पर अगर आपको अब ये पता लगे कि आपके दोस्त को 500 रुपए ज्यादा मिले, अब कैसा लग रहा है, बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, मैडम संत हैं, ठीक है, लेकिन ये और भी अच्छी बात है, ये और भी अच्छी बात है, आगे चलते हैं, ये खेल मैं दोबारा खेलता हूं, ये खेल मैं दोबारा खेलता हूं, दोबारा जब ये खेल खेलेंगे आप ए लेंगी कि बी लेंगी, तभी आप बी लेंगी, आप बी क्यों लेंगी, माइंड चेंज नहीं करेंगे, अब दोबारा टेल आ गया, अब क्या होगा, दुख होगा, दुख होगा, नहीं होगा, दोबारा आपकी दोस्त ने 500 रुपए ज्यादा कमाए, दुख होगा, नहीं होगा, तीसरी बार फिर से अद्भुत काम कर रही हैं, ऐसा ही व्यक्ति, हंसने की बात नहीं है दोस्तों, हंसने की बात नहीं है, ऐसा ही व्यक्ति पैसा बनाता है, ऐसा ही व्यक्ति पैसा बनाता है, पर इनको दुनिया पैसा नहीं बनाने देगी, आप जानते हैं कैसे, जब ये तीसरी बार बी लेंगी और तीसरी बार तेल आ गया और तीसरी बार इनको नुकसान हो गया, फिर ये घर जाएंगी, अब घर क्या होगा, आर यू मैरिड, नो, यू लिव विथ योर पेरेंट्स, यस, अब जाके आप अपनी माँ से कहेंगे, एक जगह है जहां पर मैं रोजाना जाती हूँ, वहां एक खेल होता है, वहां पर ए ऑप्शन में 500 मिलते हैं, बी ऑप्शन में चॉइस होता है कि सिक्का उछालिए, तो वहां ये आपके आपके पड़ोस में रहती हैं दूसरी, तो मैं उनके साथ गई थी, वो हमेशा ये लेती है, उसको हमेशा 500 रुपए मिलते हैं, तीन बारी से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, अब बताइए माँ क्या कहेंगे, शी विल बी हैप्पी, नहीं होगा ना, मेरी बीवी ने मुझे बता दिया तुम हो एक पड़ोसी है, सीखो कुछ उससे, और अगली बार आपकी माँ आपके साथ में आएंगी, तो दुनिया आपको काम नहीं करने जा रही, अरे 3 साल हो गए इक्विटी में रिटर्न नहीं आया, कहाँ बैठे हो, पागल हो क्या, एफडी में बैठे रहो, एफडी में बैठे रहो, दुनिया आपको काम नहीं करने दे, पर हमारी कहानी ना अभी तक शुरू हुई है ना खत्म हुई है, मजेदार बात तो आप देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ज्यादातर लोगों ने यहां पर क्या लिया था, ए, क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते, तीन लोगों ने लिया रिस्क अपने रिटर्न को बढ़ाने के लिए। अब थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि मैं आपको 2000 रुपये देता हूँ, कितने रुपए दे रहा हूँ, 2000 रुपये, लेकिन ये 2000 रुपये आपको तभी मिलेंगे जब आप नीचे वाली दोनों में से कोई एक चीज़ आप चुनेंगे, अब नीचे वाली कोई एक चीज़ क्या है, ए, या इसको सी कर देते हैं, सी, मैं आपको ये कहता हूँ कि 500 रुपये का लॉस आपको होगा ही होगा, फॉर श्योर, श्योर का मतलब ये है कि 2000 रुपये मैंने आपको दे दिए, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आप बाहर जाएंगे, आपसे 500 रुपये हम वापस ले लेंगे, तो आपको 500 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया, इस दुख से आपको गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आप देखिए बहुत ध्यान से, डी, मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास एक सिक्का है, मैं सिक्का उछालूंगा, अगर हेड आ गया तो आपको निल कोई भी नुकसान
नहीं होगा, इस नुकसान के दुख से आप बच जाएंगे और बहुत ईमानदारी से सोच समझ के आप मेरे को जवाब देंगे, हमने जो पहले बात की थी वो सब भूल जाएंगे, ठीक है। अगर हेड आ गया तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आप नुकसान के दुख से बच जाएंगे, पर अगर टी आ गया मतलब टेल आ गया तो आपको 1000 रुपये का नुकसान होगा। आप क्या लेना पसंद करेंगे, आप नुकसान सहन करेंगे या नुकसान से बचने के लिए अपनी किस्मत को आजमाएंगे? इस बार शांति है, क्या बात है, सी डी दोनों ही सुनने को मिल रहा है। पिछली बार मुझे 3 लोग बी में मिले, ज्यादातर लोग ए में मिले। यहां पर अब मैं जानना चाहता हूं कितने लोग सी लेंगे और कितने लोग डी लेंगे, कितने लोग नुकसान सहन करेंगे, कितने लोग नुकसान से बचने की कोशिश करेंगे। तो कितने लोग नुकसान को सहन करेंगे, रेज हैंड्स, कोई भी नहीं, एक व्यक्ति। कितने लोग नुकसान से बचने की कोशिश करेंगे, सभी लोग। मजेदार बात देखिए, यहां पर यह है श्योरिटी का, यह है प्रॉफिट सिनेरियो, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट सिनेरियो, इसको हम बोलते हैं लॉस सिनेरियो। प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश कितने लोगों ने की, 3 लोगों ने की। लॉस से बचने की कोशिश कितने लोगों ने की, बहुत से लोगों ने की। दोनों में फर्क देखिएगा, बहुत जरूरी है इस फर्क को समझना। यह श्योर है, यहां पर ए श्योर है, प्रॉफिट सिनेरियो में ए श्योर है। श्योर का मतलब है कि आपको 500 रुपये श्योर मिलेंगे, ये रिस्की है, ये सर्टेन है, ये अनसर्टेन है। तो जहां कहीं भी जीवन में प्रॉफिट मिलने का मौका मिलता है आप जोखिम नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको जोखिम लेना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जीवन में जब लॉस की संभावनाएं होती है तो लॉस से बचने के लिए आप जोखिम लेते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इस बात को कहने के लिए डेनियल कैनेमैन को नोबेल प्राइज मिला है, एंड दिस इज कॉल्ड प्रॉस्पेक्ट थ्योरी। आप में से जो ज्यादा समझना चाहता है इंटरनेट पे जाए और उसको समझे, ये सबसे महत्वपूर्ण है इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हम लॉस से जितना डरते हैं उतना हम प्रॉफिट से प्यार नहीं करते हैं। मैंने आज तक जीवन में एक भी दौलतमंद नहीं देखा जिसको कभी नुकसान ना हुआ हो, और मैंने एक भी ऐसा गरीब नहीं देखा जिसको कभी नुकसान हुआ हो। ये रिश्ता है दोस्तों, प्रॉफिट कितना ही छोटा हो इन्फिनिट होता है, बढ़ने की बहुत संभावनाएं होती हैं। लॉस कितना ही बड़ा हो फिनिट होता है, हमें पहले से मालूम है कि कितना हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिएगा दोस्तों, इसमें वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं लॉस से बचने के, लॉस से बचने के लिए आप जोखिम तक कर जाते हैं, इसीलिए आपने नुकसान वाले शेयर्स को नहीं बेचा और फायदे वाले प्रॉफिट्स वाले इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया। ये गलती क्यों हुई, क्योंकि हम नुकसान से बचना चाहते हैं दोस्तों। हमें समाज ने क्या सिखाया, टेक रिस्क फॉर रिवार्ड्स, हमें बताया गया था हायर द रिस्क हायर द रिवार्ड, पर हमने वो काम नहीं किया, हमने क्या, टेक रिस्क फॉर लोअर लॉसेस, टेक रिस्क फॉर लोअर लॉसेस, दिस इज नॉट द सेइंग, ये कहावत नहीं है, टेक रिस्क हाई रिस्क लो लॉसेस, कहावत क्या है, टेक रिस्क फॉर हायर प्रॉफिट्स। इसका प्रभाव क्या पड़ता है दोस्तों, आपके साथ वही होगा है जिससे आप बचने की कोशिश करते हैं। जब आप एक जंगल में जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो दुनिया में 2 लोग हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा, एक को हम बोलते हैं ईश्वर, एक को बोलते हैं हम प्रेत भूत, ठीक है। मुझे अपने विचार में बताइए, इस दुनिया में किसके होने की संभावना ज़्यादा है, ईश्वर के होने की संभावना ज़्यादा है या भूत के होने की संभावना ज़्यादा है? किसके लिए हम कहते हैं कि कणकण में है, हर जगह रहता है, वो कौन है, ईश्वर रहता है। तो संभावना किसकी ज्यादा हुई, ईश्वर की। कणकण में कौन रहता है, ईश्वर। लेकिन अंधेरे जंगल में जब आपको डर लगता है तो दिखाई कौन देता है, जिसकी संभावनाएं कम है। तो ऐसा क्यों हुआ? मैंने इस जिंदगी में बहुत से लोगों से मिला हूं जो कहते हैं कि मैंने भूत देखा, आज तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहता है ईश्वर मिला। क्यों ऐसा होता है दोस्तों? संभावना ईश्वर के मिलने की ज्यादा है, कणकण में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है, हर जगह है, सर्वव्यापी है, तो भूत क्यों दिखता है? क्योंकि जब आप जंगल में होते हैं आपका दिमाग एक बार भी आपको ये नहीं कहता है कि कहीं भगवान नहीं आ जाए, आपका दिमाग ये कहता है कहीं भूत नहीं आ जाए। तो आपको दिखेगा कौन, जिसका आप स्मरण कर रहे हैं, आपको दिखेगा कौन, जिसको आप याद कर रहे हैं। तो यहां पर ये प्रॉस्पेक्ट थ्योरी हमें क्या बताती है कि आप लॉस में रिस्क ले रहे हैं क्योंकि आप लॉस से बचना चाहते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी दुख वाली बात यह है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वाले ज्यादातर इन्वेस्टर्स जब आते हैं तो वो ये सपना लेके नहीं आते हैं कि 10 रुपये की एनआईवी बढ़ के 500 रुपये हो जाए, वो ये कोशिश में आते हैं कि मेरी 10 रुपये की एनआईवी 9 रुपये नहीं होनी चाहिए। तो जिसका आप सपना देखेंगे, जिसका आप सपना देखेंगे उसी के लिए तो व्यूह रचना बनाएंगे, जिसका आप सपना देखेंगे उसी के लिए तो व्यूह रचना
अपनाएंगे। ये इमोशंस पे बात करना, भावना से बात करना एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। एक 15-20 मिनट आधे घंटे में इस विषय पे बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे कहता हूँ, जब आपके निवेश की यात्रा ख़त्म होगी दोस्तों, तब आप महसूस करेंगे कि जो यात्रा आपने तय की है 30-35 साल की, इसमें बाज़ार कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, म्यूचुअल फंड कैसा था, इनका कोई रोल ही नहीं था। जो रोल था वो आपका था, आपने क्या किया वो तय करेगा कि आपके जीवन के साथ क्या हुआ है। इसके अलावा और कोई तय नहीं करता है कि जीवन में आपके साथ में क्या होता है। अपनी भावनाओं को काबू में रखिए और बेहतर निवेश करने की कोशिश कीजिए। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।